हे गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सारे सारे अच्छे ही हो गए यार। तो हम अगेन आ गए बेहतरीन सोलो का गेम प्ले लेकर, जिसमें नॉर्मली हम हॉट ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि हॉट ड्रॉप के लिए बहुत सारी जगह थी, लेकिन उसमें स्टेडियम में सब सही लगा, क्योंकि तुरंत उतर जाओ, मतलब जस्ट नीचे ही था स्टेडियम, तो उतरते यार अपने को मिल जाते यहाँ पास बेहतरीन जो बीस्ट पिस्तौल होती है स्कॉर्पियन, और सामने एक बंदा भी उतरता है, तो उस बंदा मतलब वो बंदा देखता है जहाँ कि इसके हाथ में है खतरनाक बीस्ट पिस्तौल, तो वो निकल लेता है। फिर मैं उसका पीछा करता हूँ, लेकिन वो भाग जाता है। तो अपन सोचते हैं चलो वो भाग ही गया तो अपन लूट लेते हैं, क्योंकि यार लूट जरूरी है, क्या पता उसको स्टॉल्प के मिल जाए या कोई खतरनाक गन। वैसे स्टॉल्प के मिलती नहीं है स्टेडियम में, लेकिन अगर मिल गई तो वो बजा देगा बाजा हमारा, इसलिए हम आराम से लूटते हैं। तो यहाँ पास A4 से AKM बदल लेते हैं, और वैसे भी यार AKM और A4 में दुनिया जानती कौन अच्छी है। तब यहाँ एक बंदा मिलता जो लूट रहा होता है, तो उसके पास हेलमेट होता नहीं, वेस्ट होता नहीं, दो तीन फटके में ही काम हो जाता है। ऐसा फील होता है पबजी मोबाइल वाला हाल हो, बहुत कम डैमेज में मर जाता है। उसके बाद ये बंदा होता है जो वहाँ से भाग लेता है, तो यहाँ पास मैं इसको मारता हूँ, लेकिन गन में फायर पूरा कर देता हूँ तो ख़त्म हो जाती है। फिर स्कॉर्पियन चलाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पिस्तौल है मेरे हाथ में, तो मैं टैप टैप फायर करता हूँ, तब मुझे याद आता है अबे साले ये तो पिस्तौल नहीं स्कॉर्पियन है, मतलब है पिस्तौल लेकिन ऑटो वाली। तो फिर मैं जल्दी से इसको बजा देता हूँ इसका बाजा। उसके बाद फिर एक बंदा ऊपर होता है जिसका फुटप्रिंट मुझे आता है लूटते समय अभी, तो जाते हैं फिर इसको भी बजाते हैं। लेकिन यहाँ पास फिर ये भी बंदा भाग, मतलब पता नहीं क्यों जितने स्टेडियम आए थे कोई फाइट करना ही नहीं चाह रहा था, सब भाग रहे थे। ये भी भागने लगा, बल्कि इसके पास कारल थी तो भी ये पता नहीं क्यों ही भाग रहा था, लेकिन हो गया, अच्छी बात है, भाग रहा था मर गया। उसके बाद उन तीनों को मारने का स्टेडियम में और कोई बचा नहीं था, तो यहाँ पास है तो तीन बॉट, तो जल्दी जल्दी इनको फिनिश करता हूँ। मैं यहाँ पास स्पीड कर दिया हूँ वीडियो की, मुझे पता है बॉट मारे तो नहीं दिखाऊंगा, पता नहीं शायद उसमें एक बंदा भी रहा होगा, लेकिन पता नहीं चला दूर। एक तो बॉट मारने के लिए पहली बात ओपन में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ओपन में जाओगे तो यही हाल होगा। फिर स्टेडियम से अपन निकलने लगे तो यहाँ पास फिर एक बॉट मिला, फिर उसको बजा डाला। फिर उसके बाद सामने से एक चूतिया आदमी मेरी बग्गी लेके भाग गया, और ये भागा कहाँ, सामने गाड़ी जहाँ मिलती है। अब मतलब मैं सोच, आगे की बात अभी नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को स्पॉइलर देने लगा, तो ये बंदा यहाँ से निकल लेता, मैं इसको स्प्रे देता हूँ, और फिर यहाँ देखता हूँ बग्गी रहती नहीं है, तो फिर अपन लगाते हैं यहाँ से फास्ट टैग जो अपना होता है, और सीधे पहुँचते हैं वहाँ जहाँ पास रहती है गाड़ी। तो कई यार बात कर लेते हैं वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो यार दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय पबजी आर्मी, पबजी मोबाइल ऐड का टूर्नामेंट ऐप। तो यार बहुत ही मस्त और ट्रस्टेड ऐप है, आप इसको जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है इसमें, नॉर्मली आपको साइनअप करना सबसे पहले, और साइनअप में मेरा प्रोमो कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, डिस्कॉ कोड दे रखा हूँ आप जाके कर सकते हो। मेरा साइनअप पहले से ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। और इसमें बहुत सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं, जैसे अभी एक 30 रुपये वाला टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें आप 650 रुपये जीत सकते हो, एक फ्री मैच चल रहा है जिसमें 200 रुपये जीत सकते हो यार, और साथ में किल प्राइज भी मिल रहा है, औसम मैच है वाला, तो मैं भी ज्वाइन करूँगा। और उसके बाद इसमें यार आप रेफर करके भी अर्न कर सकते हो, आप बस सिंपली शेयर में क्लिक करोगे और अपने दोस्त को शेयर कर दोगे, या ग्रुप में व्हाट्सअप में कहीं भी शेयर कर सकते हो, और अपना प्रोमो कोड लगवा के आप आराम से पैसे अर्न कर सकते हो। और साथ में इसमें अगर आप रेफर से नहीं अर्निंग कर पा रहे हो तो आप माई वॉलेट में क्लिक करके अपना पैसा ऐड कर सकते हो खुद से, और ऐड करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप देख लो कैसे प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है। वैसे कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, इजी मैटर है, वैसे डाउनलोड करना है पैसे ऐड, और उसके बाद विड्रॉ करने का भी ऑप्शन है, आप इसमें पेटीएम नंबर अपना डालो और जितना अमाउंट आप विड्रॉ कराना चाहते हो उतना अमाउंट आप विड्रॉ करा सकते हो, बहुत ईजी है। तो यार बहुत ही सिंपल सो और ट्रस्टेड ऐप है यार, अगर एक बार मतलब आपको जरूर ट्राई देना चाहिए, अगर आपके अंदर स्किल है और आप इसे खेलते हो तो इस टाइप के मतलब टूर्नामेंट खेलते हो तो यार बिल्कुल ट्राई देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने और प्रोमो कोड भी लगा दिया। तो अपन यहाँ आते हैं, तो अपन सोचे चलो कोई नहीं है, चुपचाप गाड़ी उठाएंगे चल देंगे, तभी वो चूतिया बंदा यहीं आके अपनी बग्घी रोकता है और फिर यहाँ आके मेरे को फायर देता है। फिर उसका क्या हाल होता है वो तो आपने देख ही लिया। उसके बाद फिर यहाँ से अपन निकलते हैं, तो मैप अभी मैंने खोला था बीच में, तो मुझे पता चला सामने फ्लेयर चली है, तो अपन फ्लेयर के लिए सीधे निकल लेते हैं, गाड़ी को बूस्ट मार के और फास्ट टैग लगा के, फिर से अपना फास्ट टैग ही कहते हैं इसको। तो जब जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक पियक्कर लौंडा मिलता है जो कि अपनी गाड़ी से एकदम टर्न रहता है, ये देखो मतलब ऐसे आ रहा है जैसे एकदम अभी फाइट हो रही हो भाई, एकदम ऐसे आता है एकदम से। लेकिन यहाँ पास खतरनाक फाइट चलती है, मैं भी थोड़ा सा हक देता हूँ, वो भी थोड़ा सा हक देता है, दोनों थोड़ा हक देते हैं, लेकिन उसके बाद वो हार जाता है और मैं जीत जाता हूँ, क्योंकि मैं मौके का फ़ायदा उठा के सही टाइम पे अपनी गन को रिलोड करके थोड़ा सा मतलब अपने आप क्या होता है ना, जब इकट्ठा गाड़ी सुधरो थोड़ा सा बैलेंस सिस्टम नहीं रहता, तो अगर हल्का सा रुक लोगे थोड़ा सा और उसके बाद फिर फाइट लोगे तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है कूल डाउन वाला होता है, मतलब खून जो गर्म गर्म रहता है ना वो ठंडा हो जाता है, इसलिए तुम फाइट नॉर्मल ले पाते हो। अब वो बंदा एकदम अभी डिस्प्यूट था, ओ भाई इसलिए वो मर गया, नहीं तो वो जीत सकता था क्योंकि दोनों की लाइफ इक्वल इक्वली थी। उसके बाद जल्दी से हील किया और इसको लूटा और फिर गाड़ी में बैठे और फिर निकल लिया अपनी फ्लेयर के लिए, सामने फ्लेयर चली थी। अब समझ में मुझे ये नहीं आया कि इस फ्लेयर में था क्या और इस फ्लेयर को चलाया किसने था पूरा। यहाँ देखो जब मैं फ्लेयर तक पहुँचता हूँ पहले, तो
तो यार यहाँ पास आता हूँ तो फायर चलता है, तो समझ में आ जाता है कि यार यहाँ एक बंदा नहीं है और ही बंदे आ चुके हैं। तो मैं चुपचाप जाता हूँ, तभी ये बंदा मुझे सर दिख जाता है। तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, बजा दो इसको। जहाँ मैंने इसको बजाया ये बजा नहीं, फिर इसने निकाली S12K और मेरी औकात यार दिला दी थी, मतलब औकात यार दिला ही दी थी, लेकिन सही समय पर बच गए भाई। हेडशॉट पड़ गया उसको M4 का, उसका जिसको रिलोड किए। और फिर यहाँ पास एक बंदा पता नहीं बॉट के साथ फाइट ले रहा था या फिर ऑफलाइन बंदों को मार रहा था आई थिंक, तो इसको भी मतलब ऑफलाइन कर देते हैं। और मुझे लगता है यहाँ टीम अप हो रहा था शायद, यहाँ टीम अप हो रहा था। तो यहाँ पास ये बंदा फ्लेयर चलाता है, फ्लेयर मंगाता है और वो वहाँ पर जाके अपना वो बॉट मारता है, बोलता है मैं इसको मारूंगा। तो ऐसा मतलब कुछ डील हुआ होगा इनके बीच। उसके बाद मुझे लगता है अभी मुझे लग रहा होता है कि सामने एक बंदा है फैक्ट्री में जो कि फ्लेयर चलाया है, मुझे ऐसी फील आ रही थी। तो मैंने यहाँ स्मोक किया और मुझे स्टोल्पके चाहिए थी, क्योंकि यार सोलो खेल रहा है और स्टोल्पके मिल जाए तो मतलब क्या ही जिंदगी है, फिर तो सब जलवेदार। तो यहाँ पर स्टोल्पके लिए मैं स्मोक कर देता हूँ, उसके बाद जल्दी से स्टोल्पके उठाता हूँ और फिर ड्रॉप नहीं लूटता हूँ। और ड्रॉप लगता है वो लाउंडअप नहीं लूटा था, लेकिन हेलमेट लेवल 3 और वेस्ट उसके पास था, मतलब उसने ड्रॉप लूट लिया था। लेकिन ड्रॉप में क्या था मुझे पता नहीं चला, शायद AWM रही हो, लेकिन अपन के पास तो टाइम नहीं था। अपन डर लग रहा था कि कोई फैक्ट्री से जो बंदा फ्लेयर चलाया वो मार ना दे, इसलिए मैं फटाक से स्मोक करता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, S12K लेता हूँ और निकाल लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं यार एक बार देखते हैं फॉल बैक करें, क्या पता वो बंदा अपना ड्रॉप लूटने आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी एक बंदा है और शायद रहता भी। लेकिन उसी समय यहाँ से एक बॉट का फायर आता तो मेरी पहले तो हवा निकल जाती कि वो भाई यहीं आ गया क्या वो बंदा, लेकिन ये बॉट रहता है तो इसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, थोड़ा देखता हूँ कि यार अगर बंदा है कैंपिंग कर रहा है तो मिल जाएगा तो उसको मार देंगे यहाँ से। लेकिन काफ़ी देर तक थोड़ा कट कर दिया है मैंने यहाँ पास, काफ़ी देर तक देखता हूँ मैं ध्यान से, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखता। फिर सामने से फायर आता है पहाड़ से, तो मुझे लगता है कि चलो यार फ्यूज में पुश कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ रुकने का, क्योंकि टाइम बर्बाद करेंगे तो किल नहीं मिलेंगे, तो फिर अपन यहाँ से गाड़ी चेंज करेंगे और निकल लेंगे। यहाँ से गाड़ी चेंज किया तभी काफ़ी ज़्यादा बंदे वहाँ मारे गए, तो फिर जल्दी से हम लोग को लगाना पड़ा फास्ट हैक और सीधे बंदों के पास, मतलब बंदों के पास नहीं बंदा के पास, एक ही बंदा था वो। तो काफ़ी देर तक ढूंढा फास्ट टैग लगा के लेकिन नहीं दिखा, फिर SP खोलना पड़ा तभी बंदा सामने दिख गया, तो वो मुझे ही फायर कर रहा था उस समय, तो SP खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर SP को बंद कर दिया और उस बंदे को एम बॉट से मार दिया, लेकिन हेडशॉट नहीं पड़ा पता नहीं क्यों। उसके बाद उसको लूटने जा ही रहा था तभी नीचे से फायर आता है। अब मैं यहाँ पास देखता हूँ कि भाई यहाँ पास तो कोई किसी को ख़त्म कर चुका है और दूसरा बंदा वहीं है, तो मुझे लगता है यार चुतिया पे नहीं करना, उसको लूटना बाद में, पहले इधर आने का। और मैं यहाँ आता ही हूँ तभी गाड़ी फंसा देता हूँ और जा नहीं पाता हूँ, तभी वो बंदा नीचे कूद जाता है। ओ भाई साहब यहाँ पास अगर मेरे पास स्टोल्के नहीं होती यमराज भैया आज हमको यम लोग ले ही जाते, लेकिन सही समय पर मैंने अपने स्टोल्के का प्रयोग किया और हम आज सही सलामत हैं और ये गेम प्ले बन गया है। लेकिन भाई यमराज भाई का फुल मूड था हम लोग ले जाने का, लेकिन उसके बाद जल्दी से यहाँ से लूटते हैं। तभी एक बंदा फायदा उठाने के लिए अपनी काली शक्तियों के साथ आ जाता है, लेकिन यहाँ पास भाई S12K है यार, किलर बाबू अभी यमराज को मारा, किलर को मारा, मुझे लगता है कतई मैं ही यहाँ दानव हूँ, असली देव भक्ति मेरे अंदर ही समाहित है। उसके बाद फिर यहाँ से गाड़ी लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोटेशन और घूम घाम के फिर बंदा मिलता है पहाड़ियों की ऊंचाइयों में जहाँ चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। तो यहाँ पास आते हैं तभी एक बंदा दिखता है, मुझे लगता है कि वो बंदा है, कहाँ पास अभी दिखाता हूँ, वो सामने गाड़ी के ऊपर क्रेट रहता है, मुझे लगता है वो बंदा है, लेकिन मैं हल्का सा मतलब जिगल करते हुए जाता हूँ, वैसे मेरा जिगल काफ़ी अच्छा था आप भी देखे होंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पास एक बंदा रहता है फाइट ले रहा होता है किसी से, अपने में ही मगन रहता है अपनी वादियों में, मतलब समझ रहे हो ना। और नीचे एक बंदा रहता है, मैं ध्यान नहीं दिया होता पहाड़ में वो उसमें रहता है, पहाड़ बना घर के छत पर रहता है, मैं ध्यान नहीं देता, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा तब मुझे ये चीज़ पता चली कि बंदा है वहाँ छत पर। लेकिन मैं जब तक मतलब मुझे लगता है चलो देखूं वाला पहाड़ी से तो देखने जाता हूं, तब कोई नहीं होगा यार, चूतिया थोड़ी ना वो बंदा जो छत पे बैठा रहेगा। तब भी उसी समय एक बग्घी आती है जोन से और जाके वहां ठोक देता है, और वो भैया रहता है गेली सूट में, AWM रहती है उनके पास, और ये बंदे को मैं अभी नहीं मारता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और ये भूल का पश्चाताप मुझे अभी लास्ट में होगा। फिर मुझे लगता है यहाँ पास एक बंदा है, क्योंकि दो ही देखो तीन बंदे लाए जिसमें एक मैं और एक उधर है, और उधर अगर फाइट नहीं हो रही है तो मतलब बंदा इधर है, तो मैं दो तीन नेट इस घर पे करता हूँ, लेकिन कहाँ यार एक नेट नीचे फट जाता है, एक नेट ऊपर फट जाता है, लेकिन घर में कोई नेट नहीं जाता है। फिर मुझे लगता है यार फालतू का टाइम खोटी नहीं करते हैं, रस करते हैं। और उसी समय एक बहुत ही बड़ी घटना घटित होती है, कसम से बता रहा हूँ ऐसी घटना भगवान किसी के साथ ना घटित करे, तो देखो क्या होता है फिर। तो यहाँ पास अपन कतई बूस्ट वूस्ट मार के एकदम देखते हैं कि बंदा कहाँ है, पता नहीं चलता। उसी समय यार देखो लेफ्ट साइड, एक तो लेफ्ट राइट का बड़ा झमेला है, एक बंदा मतलब किल फील्ड में देखो एक बंदे को फेस कर देता है, मतलब एक बंदा बचता है। तो मुझे लगता है गिली सूट वाला मर गया है और यहाँ पास एक बंदा है, तो मैं यहाँ जाता हूँ रस करने के लिए। तभी ऊपर जाता हूँ
और ऊपर जाता हूँ तभी एक चूते का कॉल आता है जो मेरे क्लैन का कोलीडर है और उसके कारण ये गेम प्ले में आग लग जाती है। अब देखो मैं काटा जल्दी से और वापस आया, लेकिन तब तक ओ भाई मारो मुझे, मारो भाई, मजे से मार दिया उस बंदे ने मेरे को। तो यार इतना अच्छा गेम प्ले बर्बाद हो गया, लेकिन कोई ना 16 किल के साथ काफी एंजॉय किया होगा आपने। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।